वाटर वस्कुलर सिस्टम, या इसी को हम एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहला ऑर्गन मेड्रीपोराइट, दूसरा स्टोन कैनाल, फिर तीसरा पानी स्टोन कैनाल से किस में जाता है, रिंग कैनाल, और चौथा रिंग कैनाल से किस में जाता है, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, पांचवा रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में, लेटरल कैनाल, और छठवां ट्यूब फिट में, सातवां स्ट्रक्चर टीडमैन्स बॉडी होता है, यहाँ पे टीडमैन्स बॉडी प्रेजेंट होता है, आठवां स्ट्रक्चर पोलियन वेसिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन पोलियन वेसिकल एब्सेंट इन स्टारफिशेस, स्टारफिश में ये एब्सेंट होता है, अदर इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर हमें पूरा फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम क्लियर नहीं है, ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, इसको हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो पहले आप इतना स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इतना स्ट्रक्चर वाटर वस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। ठीक, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी सारी चीज़ें वाटर वस्कुलर सिस्टम में, मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फिट, टीडमैन बॉडी, आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीडमैन बॉडी किस कहाँ पाया जाता है, फिर पोलियन वेसिकल, इतनी चीज़ क्लियर। आगे चलें तो एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के सहारे इसको समझते हैं, डायग्राम के सहारे समझते हैं। तो देखिए, हम डायग्राम यही बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, डायग्राम यही बना दे रहे हैं, नहीं तो हमें फिर एक्सपोजर चेंज करना पड़ेगा इसका। देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया, वाटर वस्कुलर सिस्टम का एक डायग्राम बना रहे हैं, बहुत आसान है। यहाँ बना दे रहे हैं मेड्रीपोराइट, हालांकि मेड्रीपोराइट यहाँ होता है, लेकिन इसको इस तरीके से बाहर दर्शाया गया है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे दिखाया गया है कि ये कैसा होता है, एस लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्टोन कैनाल, ये है मेड्रीपोराइट, इसको बाहर बना दे रहे हैं, लेकिन होता है यहाँ, मतलब ये कैनाल इसमें खोलता है, इसमें। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाली जो कैनाल है, ये इसको कहते हैं रिंग कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल, कैसी होती है, पेंटागोनल, ये वाली जो पूरा दिख रही है आपको रिंग कैनाल, ये रिंग कैनाल ओपन होती है किस में, इस रेडियल कैनाल में, ये देखो रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल आगे जाके लेटरल कैनाल में ओपन होती, हम बस एक तरफ का बना रहे हैं, आप पांचों तरफ इसको समझ लेना। देखिए अब जरा ध्यान से देखना पूरी कहानी क्या है, और इसी ये क्या है, इसका रेडियस है 1 2 3 4 5, ठीक, ये रेडियस है, हो गया, यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, और यहाँ केवल एक, जिस तरफ जहाँ पे मेड्रीपोराइट होता है वहाँ पे केवल एक, बाकी हर रेडियस पे दो दो टीडमैन्स बॉडी प्रेजेंट होते हैं। टीडमैन्स बॉडी के नंबर कितने हो गए इस तरीके से, 9, कितने हो गए, 9, जिस तरफ मेड्रीपोराइट होता है वहाँ पे बस एक टीडमैन बॉडी, बाकी हर रेडियस पे दो दो टीडमैन्स बॉडी पाए जाते हैं, और टीडमैन्स बॉडी को रेसिमोज बॉडी भी कहा जाता है, रेसिमोज ग्लैंड भी कहा जाता है, इसका फंक्शन अननोन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना टीडमैन्स बॉडी, ये भी स्कैवेंजिंग का काम करता है, या फिर कुछ हम कह सकते हैं कि इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा स्टिल अननोन है, तो टीडमैन्स बॉडी आप याद रखना, ठीक है, टीडमैन्स बॉडी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो रेडियल कैनाल है, सॉरी लेटरल कैनाल, ये ट्यूब फिट में खुलता है, दो
ट्यूब फिट, दो लेटरल केनाल बड़े और फिर इसके ऊपर वाले दो छोटे, देख रहे हैं ना आप, ऐसे दो छोटे फिर दो बड़े फिर दो छोटे फिर दो बड़े, ऐसे ऐसे होते हैं ये पांचों जगह, ऐसे ही बनेगा। इतना स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। और एक पोलियन वेसिकल हमने बताया था, पोलियन वेसिकल हालांकि स्टारफिश में तो नहीं होता, अदर जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है पोलियन वेसिकल। और पोलियन वेसिकल टीडमेंट बॉडी अंदर की तरफ और पोलियन वेसिकल बाहर की तरफ, ठीक है। पोलियन वेसिकल कहाँ होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसको पोलियन वेसिकल कहते हैं। अब देखना ये कैसे वर्क करता है ये पूरा सिस्टम। सबसे पहले पानी आता है मेड्रीपोराइट में, किस में आता है मेड्रीपोराइट, ये फिल्टरिंग परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 250 पोर्स होते हैं, ये पानी की फिल्टरिंग करता है। क्या करता है, फिल्टरिंग। पानी यहाँ से स्टोन कैनाल में एंटर करता है, ये स्टोन कैनाल, और ये स्टोन कैनाल खुलता किस में है, इसमें रिंग कैनाल में खुलता है, रिंग कैनाल में आ गया। रिंग कैनाल से ये रेडियल कैनाल और रेडियल से फिर ये लैटरल। तो ये देखना ज़रा, ये जो है रेडियल कैनाल है ये, अरे यार बहुत डिस्टर्बेंस हो गई, ये रेडियल कैनाल है और ये लैटरल कैनाल है, ये ट्यूब फिट है, ठीक। पहले बस पूरा इसे ऐसे ही ओरली समझ ले रहे हैं। तो देखिए पानी सबसे पहले मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल बाहर हमने दिखाया लेकिन ये स्ट्रक्चर अंदर ही है। तो देखिए मेड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में आए, स्टोन कैनाल से ये रिंग कैनाल में आएगा, रिंग कैनाल ये पूरा पेंटागोनल रिंग कैनाल है, ये रेडियल कैनाल में जाएगा और रेडियल कैनाल फिर लेटरल कैनाल और लेटरल कैनाल से फिर ट्यूब फिट। ट्यूब फिट में एम्पुला, पोडियम और नीचे वाला स्ट्रक्चर सकर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकोमोशन में होता क्या है, लोकोमोशन में देखिए स्टारफिश के पास पांच आर्म है, ठीक है। जिस तरफ स्टारफिश को जाना होता है, मान लीजिए पानी अगर इक्वली हर आर्म में जाएगा, इक्वली जाए, तो पानी जैसे ही ट्यूब फिट में पड़ता है, ट्यूब फिट के ये पोडियम इलोंगेट हो जाते हैं और जाके ये पोडियम इलोंगेट हो जाते हैं और जाके सबस्ट्रेटम से सकर के द्वारा अटैच हो जाते हैं और फिर ये चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। इतनी बात समझ आ रहा है, सक्शन प्रेशर से एक तरीके से हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है ये। अब ये बात है कि भाई पानी जाना किधर है, लोकोमोशन के दौरान अगर पानी सारे ही आर्म में जाएगा तब तो वो सारा ही ट्यूब फिट उसका एक्टिव हो जाएगा सारी ही जगह, तो ये तो किधर भी मूव नहीं कर पाएगा। तो जिस तरफ स्टारफिश को मूव करना होता है वो अपना आर्म थोड़ा सा ऐसे बेंट करता है, जब ये थोड़ा सा ऐसे बेंट करता है उठाता है तो उसी तरफ पानी जाता है और उसी तरफ के ट्यूब फिट इलोंगेट होके वो पहले सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं फिर उधर मूव करता है, ठीक है, उधर मूव करता है जिधर जाना होता है। आप देखते हैं कभी उस पर देखिए, इधर ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, कुछ भी नहीं इसमें, आपको मेड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट के एम्पुला फिर पोडियम फिर सकर। मेड्रीपोराइट का काम क्या है ये हमने आपको बता दिया, पेडिसिलरी का काम क्या है, कौन किस सरफेस पे पाया जाता है, इसके ओरल सरफेस पे क्या होता है, इसके अबोरल सरफेस पे क्या होता है, मेड्रीपोराइट क्या है, पेडिसिलरी क्या है, ओके। और इसके बाद आपको बताया भी था हमने, इसके हर आर्म के एंड में एक टर्मिनल स्पाइन होता है जो फोटो रिसेप्टर, वहाँ पे आई प्रेजेंट होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। This is the water vascular system of Echinodermata. Echinodermata या starfish. तो starfish का आपने external structure देखा, आपने starfish में क्या देखा, क्या कहते हैं, उसके दोनों surface देखे, उस पर कौन कौन सा structure पाया जाता है, okay? इसके अलावा हमने सारे Echinodermata के सारे class के बारे में देखा, Echinodermata के special feature के बारे में देखा, ये सब चीज़ हमने आज समझा है। और उसके बाद अगले lecture में जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इकाइनोडर्मेटा का मतलब स्टारफिश का जो बाकी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर देंगे। तो कुल मिला के एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर दे रहे हैं, एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वाटर वास्कुलर सिस्टम, फ्लो ऑफ वाटर, मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फिट, हाइड्रोलिक